एक बात साबित हो गई कि सीबीआई के इतने बड़े छापेमारी के बाद 31 स्थान की, 22 स्थान की, 25 स्थान लंबे चौड़े छापेमारी की बाद भी, जिसका घंटों तक प्रचार किया गया कि बहुत बड़ा छापा पड़ गया है, सीबीआई अब तक कुछ नहीं बता पाई, सरकार अब तक कुछ नहीं बता पाई, मोदी जी की सरकार कुछ नहीं बता पाई कि क्या निकला इन छापों में, उन्हें क्या मिल गया, कहां से करोड़ों की बरामदगी हो गई, कहां से सोना मिल गया, कुछ उनको पता नहीं चल पाया। मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में वो सरकार जो बुजुर्गों को तीर्थयात्रा कराती है, जो माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा कराती है, जो निःशुल्क बिजली, निःशुल्क पानी, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य देती है, जो बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को 2 गुना 3 गुना पेंशन देती है, वो बेवड़ी सरकार है। ध्यान से सुनिएगा, शराब बेचकर किस राज्य में कितना राजस्व आता है, कितने धन की प्राप्ति होती है, उसका मैं आंकड़ा पढ़ रहा हूं, और आप अंदाजा लगाइए कि बेवड़ी सरकार कौन है। पहली बेवड़ी सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, कितना राजस्व आता है शराब बेचकर, 21.8%। दूसरी बेवड़ी सरकार कर्नाटक की सरकार, कितना राजस्व आता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वहां पर, 20.6%। तीसरी बेवड़ी सरकार मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार, कितना राजस्व आता है मध्य प्रदेश में, 19.9% शराब बेच के। बेवड़ों की पूरी फौज खड़ी करते हो और दिल्ली की सरकार को बदनाम करते हो। सारे भाजपा शासित राज्यों में दारू पिला पिला के 22% 20% 19% रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हो और बता रहे हो कि ये बेवड़ी है। खोज की जाए क्या कितने बेवड़े घूमते हैं भाजपा में, कौन कितने बजे दारू पीना शुरू करता है और कब खत्म करता है, चर्चा करोगे इसके ऊपर? बताइए आप, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 22% राजस्व शराब बेच के कैसे पैदा करती है? बताइए मध्य प्रदेश की सरकार 20% 21% रेवेन्यू कैसे पैदा करती है? कर्नाटक की सरकार कैसे पैदा करती है 21% रेवेन्यू? और भी तमाम राज्यों के दिए हुए हैं। तेलंगाना में है 15%, आंध्र प्रदेश में है 11%, राजस्थान में है 14%, तमिलनाडु में है 5.8%, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की खट्टर की सरकार, कितना रेवेन्यू आता है 13.7%, 14%। ये हरियाणा की खट्टर की बेवड़ी सरकार।